हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 8 नव उदय बैच के जो हम आरएस अग्रवाल जो स्टैंडर्ड बुक है उसके सॉल्यूशंस कर रहे थे उसके एक्सरसाइज 1A है उसके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो दिया हुआ है कि विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ पे कुछ पेयर्स गिवन है, इसके ऊपर हमारे को क्या करना है कि इनमें से बताना है कि कौन सा वाला रैशनल नंबर क्या है ग्रेटर है इन दोनों पेयर्स में से। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके कॉन्सेप्ट वीडियोज को देखिए। मैंने वहाँ पे एक पूरा अलग से सेपरेट लेक्चर बना रखा है रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, साथ में ये भी बता रखा है कि रैशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। तो आप उन लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, उसके बाद में आप खुद करने की कोशिश कीजिए। इन सॉल्यूशंस को फिर भी नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को 3-4 नोट बताए थे, हम नोट के बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर जीरो है। तो मैंने बताया था जीरो से जो मतलब पॉजिटिव जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जीरो से बड़े होते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि भाई जो भी पॉजिटिव नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो मतलब यहाँ पे सब ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, 3/8। मैं जो भी ग्रेटर है उसको रेड वाले मार्कर से सर्कल बना रहा हूँ। फिर है -2/9 और जीरो। तो ये भी हमने देखा है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो से तो क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं। तो जब -2/9 नेगेटिव नंबर है तो ये जीरो से तो छोटा ही होगा, तो बड़ा क्या होगा, जीरो होगा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज क्या होगा, जैसे कुछ भी हो वो पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से तो हमेशा बड़ा ही होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर्स आप लोगों को सेम दिख रहे होंगे 7/7। फिर न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूमिरेटर कितना है, -5 है, यहाँ पे -4 है। किसका न्यूमिरेटर बड़ा है, -5 की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है इसलिए वो छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव में नंबर बड़ा होता जाता है वो एक्चुअल में छोटा होता जाता है। तो यहाँ क्या है, -4/7 क्या होगा, -5/7 से ग्रेटर होगा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों को कैसे सोल्व करें वो समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, एक मैंने आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताया था, आप अभी वो अप्लाई कर लो। बाकी जो प्रॉपर वे है मैं इन क्वेश्चंस में आप लोगों को अप्लाई करके बताऊंगा। तो शॉर्ट तरीका क्या है, देखो हमें क्या करना है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 × 4 कितना होगा, 8 होगा। फिर इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3×3 9 होगा। 9 बड़ा होता है जिस साइड वाला रैशनल नंबर मतलब जिस साइड वाला पार्ट क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, वो वाला रैशनल नंबर भी क्या होगा, बड़ा होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तो आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, इसको चाहो तो आप नंबर लाइन की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हो। भाई यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, और -1/2 कहाँ होगा, 0 और -1 के बीच में कहीं आएगा। भाई -1/2 का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीचों बीच का मिला, हाफ है ना। तो अब देखो -1 छोटा है, -1/2 बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ जाओगे इस साइड में नंबर छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे -1 और -1/2 में कौन सा बड़ा होगा, 1/2 माइनस वाला क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में छोटा है इसलिए बड़ा होगा। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इनको प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन और होगा 7, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेंगे। तो देखो विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, ये कुछ पेयर्स गिवन है इनमें से कौन सा बड़ा है ये हमें बताना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे को जो मेथड फॉलो करना वो ये है कि पहले हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना पड़ेगा, और किसके इक्वल, इन दोनों का जो भी एलसीएम आ रहा होगा, जैसे 3 और 7 का जो भी एलसीएम है उसके इक्वल बनाना है, ठीक है। और एक बार इक्वल बन जाएगा फिर न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करना है और हमें बता देना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखो 3 और 7 का जब एलसीएम आएगा 21 आएगा, तो हमें क्या करना है, इस 3 को भी 21 बनाना है और यहाँ इस 7 को भी क्या बनाना है, 21 बनाना है। तो हमें 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -4 × 7 हो जाएगा, यहाँ पे -8 × 3 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया, -28 हो गया, और नीचे इधर -24 हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो चुके, इक्वल। अब जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो वाला रैशनल नंबर बड़ा, तो देखो -24 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, -28 से, क्योंकि -28 नेगेटिव में बड़ा है इसलिए वो एक्चुअल में क्या होगा, छोटा होगा। तो -24/ क्या है, 21 है, तो ये बड़ा है। तो ये एक्चुअल में ओरिजिनल नंबर कौन सा था हमारा,
माइनस फाइव अपॉन एट, तो माइनस फाइव अपॉन सेवन, सॉरी माइनस फाइव अपॉन सेवन, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम काम यहाँ भी करना है हमारे को। तो नाइन और एट का जब आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो वो आएगा 72। तो माइनस मतलब सेवन अपॉन नाइन, माइनस नाइन है, इसको भी हमें 72 बनाना है, और माइनस फाइव अपॉन एट में एट है, इसको भी हमें क्या बनाना है, 72 बनाना है। तो माइनस एट को सेवन, तो इसको बनाने के लिए हमें माइनस एट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेवन एट जा 72, और एट को अगर हमें बनाना 72 तो नाइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, नाइन से मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर भी हमारे को माइनस के एट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर तो हो गया माइनस का 56, और इधर हो गया माइनस का 45। तो यहाँ नेगेटिव में ये क्या है, बड़ा है, मतलब नेगेटिव में ये छोटा है और नेगेटिव में ये बड़ा है। तो जो नेगेटिव में बड़ा होगा वो छोटा होता है एक्चुअल में। तो 72 डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, तो कौन सा वाला रेशनल नंबर बड़ा हो गया, माइनस फाइव अपॉन एट बड़ा हो गया। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम ये वाले क्वेश्चन से इनको भी जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो इसको भी 15 बनाना है, इसको भी 15 बनाना है। तो इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 बन जाएगा। और इसको अगर क्या बनाना है हमारे को, 15 बनाना है, तो ये नेगेटिव का है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन गया माइनस का 12 और नीचे बन गया 15। अब देखो दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स इक्वल बन चुके हैं। जैसे ही डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना है। तो माइनस 5 माइनस 12 के कंपेरिजन में क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस में ये छोटा है। तो यहाँ पे माइनस 5 अपॉन 15 जो एक्चुअल में किसका नंबर था, इसका था, माइनस 1 अपॉन 3 का। तो ये वाला जो होगा माइनस 1 अपॉन 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर 1 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इनको करते हैं, इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, तो एक्चुअल में वो रेशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये रेशनल नंबर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव वाला रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर में, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस प्रॉपर तरीके से भी करके देख लेना। अब इनको सोल्व करते हैं, तो देखो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो हमें क्या करना है, 4 अपॉन -5, इस -5 को भी 10 बनाना है, ठीक है, ये मार्कर ऐसे ही। -7 अपॉन 10, तो ये तो ऑलरेडी 10 बना हुआ है, तो इसको हम क्या करें, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर माइनस का 8 हो गया। तो ये -8 अपॉन 10 है, -7 अपॉन 10 है। तो -7 नेगेटिव में छोटा है इसलिए ये बड़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस का 7 अपॉन 10 ये वाला रेशनल नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, किसके कंपेरिजन में, 4 अपॉन -5 के। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको भी हम यही करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। तो दोनों के उसको डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो ये तो ऑलरेडी 5 है, तो इसको 5 बनाने के लिए हम क्या करें, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 5 से। तो ये बन गया माइनस का 15 अपॉन 5, और ये माइनस का 12 अपॉन 5। तो देखो डिनोमिनेटर्स इक्वल है, न्यूमिनेटर्स को चेक करना है। तो माइनस का 12 नेगेटिव में छोटा है, तो ये एक्चुअल में बड़ा होगा। तो ये -12 अपॉन 15 ये हमारा क्या हो जाएगा, -12 अपॉन 5, ये ग्रेटर हो जाएगा नंबर। आई होप ये दोनों एग्जाम दोनों क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। इनको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन। मतलब हमें क्या करना है, ये कुछ रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनको कंपेयर करके हमें बताना है कौन सा ग्रेटर है कौन सा इक्वल है। तो देखो सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोनों के न्यूमिनेटर और दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया। अब इसको देखो इसमें भी क्या कुछ हो रहा है क्या, तो इसको कैसे सोल्व करें वो ध्यान से समझना। देखो ये फर्दर आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, इसमें 7 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम, इसमें भी 7 से डिवाइड हो रहा है 13 टाइम, 13 7 जा 91 होता है। तो देखो ये एक्चुअल में कितना बन गया, 5 अपॉन -13, और ये है -5 अपॉन 13। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो -P/Q बोलो या P/Q बोलो, ये दोनों एक्चुअल में आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम। नीचे नेगेटिव हो या ऊपर नेगेटिव हो, भाई ये ओवरऑल इस पूरे रेशनल नंबर को नेगेटिव बना रहा है, ये पूरे रेशनल नंबर को नेगेटिव बना रहा है। वैल्यू तो कितनी है, 5 अपॉन 13 ही है। तो बोल देंगे ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
तीसरा वाला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो इसको भी सोल्व करने का हमारे को तरीका पता है कि हम क्या करेंगे कि पहले दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे। तो इसको क्या बनाएं, 5 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 5 से, तो माइनस 10 अपॉन 5 बन गया। अब ये है माइनस 13 अपॉन 5, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल बन चुके हैं। अब न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करेंगे, न्यूमिरेटर्स को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसका न्यूमिरेटर छोटा है, ठीक है, मतलब जिसका न्यूमिरेटर बड़ा है वो वाला रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो देखो माइनस 13 ये क्या है, छोटा है, और माइनस 10 क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा, जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 10 अपॉन 5 जो कि एक्चुअल में कितना था, माइनस का 2, ये क्या होगा, ग्रेटर होगा। आई होप ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब पहले हम ये देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि दोनों रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव हो या दोनों रैशनल नंबर नेगेटिव हो तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं। और हमने ये भी समझा था कि पॉजिटिव रैशनल नंबर हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 3/5 क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। अब इसके बाद में इसको देखते हैं, तो इसको सोल्व कैसे करें। तो पहले तो देखो हमारे को दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, तो इक्वल किसके बनाएंगे, 3 और 8, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 24 आएगा, 24 के बराबर बना लेते हैं इसको। तो हमें इसको भी क्या करना है, 24 बनाना है। तो 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर तो बन गया माइनस 16 और नीचे बन गया 24। ऐसे इसको अगर हमारे को 24 के इक्वल बनाना है माइनस 8 को, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो माइनस माइनस प्लस का 24 बनेगा, और ऊपर भी माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया माइनस का 15/24। अब देखो इन दोनों में जो जिसका न्यूमिनेटर छोटा बड़ा है वो रैशनल नंबर बड़ा होगा, तो माइनस 15 क्या है, माइनस 16 से बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में बड़ा है इसलिए छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 15/24, ये एक्चुअल में ये वाला नंबर था, तो 5/-8 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। ये लास्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स को दोनों को इक्वल बनाना है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम इनका जो निकल के आएगा वो आएगा 90, तो इसको भी 90 बनाना है, इसको भी 90। तो इसको 90 बनाने के लिए क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 10 से, तो ये बन गया माइनस 80/90। और इसको 90 बनाने के लिए क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई करें, और इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया ऊपर 81 और नीचे कितना हो गया 90। अब देखो माइनस 80 और माइनस 81 में से कौन बड़ा है, माइनस 80, क्योंकि ये नेगेटिव में छोटा है इसलिए ये बड़ा होगा। तो माइनस 80 एक्चुअल में किसका नंबर था, इसका था, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इनको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।